To Test Book Super Coaching UGC Net YouTube channel, myself Preeti, your paper one faculty. I hope everyone is fine. So today, as you can see, we are going to discuss paper one special current affairs UGC Net paper one. क्योंकि आप सभी को पता है थोड़ा सा portion हमारा current affair का भी आता है. तो weekly basis पे हम लोग paper one specific करेंगे current affair. वैसे तो बहुत vast चला जाता है, economical aspect, political aspect, science, technology. But हमें किसके aspect में करना है, जैसे higher education में क्या है, कोई e-governance scheme आती है या पीडी के अंदर कुछ ऐसा अपडेट आता है रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोई रिन्यूएबल एनर्जी, तो वो हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है. वीकली हर वीकेंड पे ये क्लास होता है आप लोगों का, इधर सैटरडे और संडे को 3 बजे आपको ये सेशन मिलता है. तो ये छोटे छोटे भी करंट अफेयर कर लेते हैं तो हमारे यूजीसी नेट पेपर वन के लिए बहुत है आपके लिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नोट डाउन माय क्लासेस टाइमिंग. मेरे फ्री क्लासेस के टाइमिंग है जिसमें रेगुलर हम सेशंस कंडक्ट करते हैं, 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास टेस्ट बुक ऐप पे. तो ये सेशन, ये सीरीज जो मैंने शुरू किया है, स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सीरीज है वीकेंड पे. तो जस्ट टू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी करंट अफेयर है यहाँ से नोट डाउन कर पाए पेपर वन रिगार्डिंग. और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल काइंड ऑफ पेपर वन पेपर टू क्लासेज एंड रिसेंट अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग यूजीसी नेट और टीचिंग के रिगार्डिंग. जी, इन द सेम वे ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @ प्रीति पेपर वन करके आपको मिल जाएगा. आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर मैं क्विजेस कंडक्ट करती हूँ. उसके साथ साथ जो भी पीडीएफ फाइल्स है वाईटी सेशंस के, हमारे जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड करती हूँ. अगर कोई भी आपका डाउट है यहाँ पर आप रेज कर सकते हैं. तो @ प्रीति पेपर वन ये टेलीग्राम आप लोगों ने ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है. दीज आर द टाइमिंग ऑफ पेपर टू फैकल्टीज. जो भी आपका सब्जेक्ट है, पोल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, तो आपने टाइमिंग्स नोट कर लीजिए. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है, मैम अलग अलग सब्जेक्ट का क्लासेस बता दीजिए कब होता है. तो ये आप लोग एक बार नोट कर लीजिए. और आज जो सेल का लास्ट डेट है जिसमें हम जीत की उड़ान सेल, जिसको फ्लाइट टू सेलेक्शन, ठीक है, 6 to 8 अक्टूबर ये हमारा लास्ट डेट है. 5999 में आप लोगों को 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. 10th अक्टूबर से हमारा पेपर वन का भी क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है जिसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे. बाकी पेपर टू के भी काफी कोर्सेज शुरू होंगे. तो अगर आप लोग भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेम. यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PYQs, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. चल तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर नंबर वन. मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पीडी के एस्पेक्ट में आप लोगों का ये करंट अफेयर है. यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च हर घर सोलर कैंपेन. कि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने हर घर सोलर कैंपेन स्टार्ट किया है, तो वो क्या है आपका यूपी. यूपी ने कौन सा कैंपेन शुरू किया है वो क्वेश्चन बना सकता है हर घर सोलर कैंपेन. इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन, कौन से स्टेट के अंदर ये शुरुआत किया है यूपी में, ये दो शहर है जिसमें एक आता लखनऊ और दूसरा है वाराणसी. तो अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यूपी ने ये 2 अक्टूबर से ही रखा गया है. इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अच्छा बढ़ावा देने के लिए, ताकि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है सोलर रूफ टॉप को इंस्टॉल कर पाए, ये जो स्कीम है हर घर सोलर जो अभियान है इसको शुरू करेगा. इसका गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है, टू जनरेट 6000 मेगावाट ऑफ सोलर थ्रू रूफ टॉप. मतलब एटलीस्ट 6000 जो मेगावाट है वो हम लोग सोलर क्या कर पाए, पावर को जनरेट कर पाए विद द हेल्प ऑफ अ रूफ टॉप अंडर योर सोलर पॉलिसी 2022. पहला करंट अफेयर आपका ये रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग पूछा जा सकता है. स्कीम भी कौन सा स्टेट है और कौन सी स्कीम के तहत. नेक्स्ट आता है आप लोगों का एमपी स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव 35% रिजर्वेशन टू वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब. ये क्वेश्चन आपसे ना स्टेटमेंट बेस आ सकता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आपसे. इससे पहले 33% का तो जरूर पूछा गया है. अगर मैं थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जरा सा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आता है, छोटा सा जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का, जैसे आपसे अलग अलग आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं कितना कोटा है वुमेन्स को, वो 33% ठीक है ना. अभी तो हालांकि इसके रिगार्डिंग भी बात हुआ है, तो ये ऐसा सा क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका. लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिजर्वेशन की बात करें तो एमपी स्टेट ने कितना रखा है, 35% रखा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है. नंबर थर्ड पे आता है
इंडियाज फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी। देखो नॉर्मल हम लोगों ने डीम यूनिवर्सिटी देखा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई है? वाटर यूनिवर्सिटी की। इंडिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पर ओपन होगी? बुंदेलखंड में। कहाँ पर? इन बुंदेलखंड। और ये आपका कहाँ पर है? यूपी के अंदर। तो भारत का पहला जल विश्वविद्यालय। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग यूनिवर्सिटी स्टडी किया था, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि मैं वाटर यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, तो एग्जामिनर ने गलत आंसर कर दिया। नहीं, वाटर यूनिवर्सिटी पहली आपकी बुंदेलखंड यूपी के अंदर क्या होगी? ओपन होगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये इसका उद्देश्य है कि लोगों को जो वाटर को कंजर्व करके रखना है, उसका संरक्षण करके रखना है, उसका लेसन प्रोवाइड करने के लिए क्या है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ओपन करने का मोटिव है, ताकि जो वाटर को अच्छे तरीके से सेव किया जाए। आपको पता है वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जहां पर छात्र व शोधार्थी जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाधान क्या करेंगे? निकालेंगे। मतलब देखो, वाटर की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर वो सारी चीजें क्या की जाएंगी? एक्सप्लोर की जाएंगी। राइट, नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। ये आप लोगों का क्या है? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किसने अवार्ड्स, जो आपका किसने मैक्सिमम अवार्ड जीते हैं, ठीक है, टॉप थ्री स्टेट के अंदर कौन आया है, ये तीन चार क्वेश्चन इस कॉन्क्लेव से बनते हैं। तो स्टेट ऑफ यूपी हैज रिसीव्ड 10 अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरी। ठीक है, यूपी ने 10 अवार्ड क्या किए, जीत लिए हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। इन द सेम वे यूपी हैज बीन सेलेक्टेड अमंग द टॉप थ्री स्टेट ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ बेस्ट स्मार्ट सिटी। मतलब यूपी को है टॉप थ्री के अंदर क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया है स्मार्ट सिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं बात करूं अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आगरा हैज बीन चूजन एज द थर्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगरा को क्या चूज किया गया है? थर्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी ऑफ द कंट्री चूज किया गया है। तो ये टॉप थ्री स्टेट के अंदर बात करें तो यूपी भी आ जाता है। यूपी ने कितने अवार्ड जीते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में 10 अवार्ड इन्होंने विन किए हैं। वाराणसी को क्या किया है? नंबर वन पोजीशन अवार्ड किया गया है एज द स्मार्टेस्ट सिटी इन द नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में स्मार्टेस्ट सिटी की बात करें तो कौन सा है? वाराणसी है। इसके अलावा अलग अलग सिटीज को भी अलग अलग कैटेगरीज में क्या किया गया है, अलग अलग अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। इतना डीप में हमें करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस दो तीन पॉइंट है, जैसे नॉर्थ जोन के अंदर कौन सा किसने टॉप किया है, यूपी को कितनी कैटेगरीज के अंदर मिला है, आपका इंडियन स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है ये, इसके अंदर क्या होता है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके पूछे जाएंगे। राइट, तो इतना ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आप लोगों को इसका रिपोर्ट चेक करना है किसने कहां पर लाइक किया है। नेक्स्ट आता है रिसेंटली द लार्जेस्ट फॉसिल ऑफ ए ट्रैपडोर स्पाइडर मेगा मोनोडोंटियम देन, ये क्या है आपका, मैकलुस्की हैज बीन डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ट्रैपडोर मकड़ी के सबसे बड़े जीवाश्म मेगा मोनोडोंटियम मैकलुस्की को क्या किया गया है, खोजा गया है। ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? लार्जेस्ट फॉसिल, लार्जेस्ट क्या है, फॉसिल ऑफ ए ट्रैपडोर स्पाइडर। तो ये फॉसिल वर्ड की वजह से मे बी एग्जामिनर, वैसे लगता नहीं है 50-50 चांसेस है कि यहाँ से, बट फिर भी आपको पता चलना चाहिए कि जो लार्जेस्ट फॉसिल ऑफ ए ट्रैपडोर स्पाइडर है वो आपका कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। राइट, नेक्स्ट आता है एचपी हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल। एचपी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, एचपी ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है, क्या बनाने के लिए? क्रोमबुक। नोटबुक होता है, पामटॉप होता है, लैपटॉप होता है, इन द सेम वे आपकी क्रोमबुक्स होता है। तो एचपी ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है किसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्रोमबुक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो दैट जैसे हम पर्सनल लेवल पे पीसी को एक्सेस कर लेते हैं, इन द सेम वे ये क्या करेंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है इंडिया रिटेन 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमिक्स इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23। अगर मैं अभी बात करूं GII ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 23 की रिपोर्ट के अंदर, इंडिया की जो रैंक है, ठीक है, वो कौन सी आई है, 40th, कौन सी आई है, 40th रैंक आई है।
उसके साथ साथ पब्लिश इसको कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ की हाइलाइट्स क्या थे, स्विट्जरलैंड क्या रहा है, मोस्ट इनोवेटिव कैटेगरी के अंदर आया है। स्विट्जरलैंड क्या है, मोस्ट इनोवेटिव, और उसके बाद इसको फॉलो किसने किया है, स्वीडन ने किया है। इन द सेम वे सिंगापुर ने अब की बार टॉप 5 में एंट्री ले लिया है। और ये आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि सबसे ज्यादा इनोवेटिव अगर इकोनॉमी बात करें तो वो क्या है आपका, स्विट्जरलैंड, देन हमारा स्वीडन आ जाता है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, अगर मैं अपने इंडिया की पोजिशन की बात करूँ तो ये क्या है आपका, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40th रैंक आता है। नेक्स्ट है, हाँ ये हमारा रिमार्केबल क्यों था, इंडिया सिक्योर द 40th पोजिशन इन लेटेस्ट GII 2023 शोकेस अ रिमार्केबल क्लाइंब फ्रॉम 81 स्पॉट इन 2015। मतलब ये लगा लीजिए काफी इन्होंने अच्छा जंप लगाया है, इतना मतलब लो रैंक से एकदम से इतना अच्छा जंप लगाना तो ये बहुत अच्छी चीज है, राइट। नेक्स्ट आता है द, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है, द फर्स्ट पॉलिथिन बैंक, फर्स्ट पॉलिथिन बैंक हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देखो जैसे एक वाटर यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पॉलिथिन बैंक इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग है, तो कंट्री का फर्स्ट 3 पॉलिथिन गार्बेज बैंक वर एस्टेब्लिश्ड बाय देहरादून कैंट बोर्ड। किसने बनाए हैं, देहरादून कैंट बोर्ड ने बनाए हैं, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। किसके लिए, पॉलिथिन को डिस्पोज करने के लिए, जो पॉलिथिन का वेस्ट होता है। सो यहाँ पर क्या क्या की पॉइंट्स है, 2 पॉलिथिन वेस्ट बैंक हैव बीन ओपन इन गरी इन देहरादून, एंड द थर्ड आपका कहाँ पे होगा, प्रेम नगर के अंदर। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, 3 पॉलिथिन बैंक होंगे और ये देहरादून के अंदर हैं, और आपके स्टेट क्या है आपका, ये उत्तराखंड आ जाता है, और कौन बनाए इनको, देहरादून कैंट बोर्ड इनको बनाएगा। ये आपका कंट्री का पहला बैंक होगा जो कि जो डर्ट है हमारे होम से, रोड से, या फिर अलग अलग जो सोर्सेज आते हैं उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। पॉलिथिन्स को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम दिस बैंक एंड सेंट फर्दर फ्रॉम विच डेकोरेटिव आइटम, जैसे टाइल्स, बोर्ड, पोर्ट, अलग अलग चीजें, मतलब इसको रीयूजेबल किया जा सके, इनका कुछ बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, इस पॉलिथिन बैंक का ये पर्पज रहेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 800 मेगावाट रामागुंडम NTPC प्रोजेक्ट इन तेलंगाना स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम NTPC परियोजना का क्या किया है, उद्घाटन किया है। मैं ये PIB का रेफरेंस मैंने लिया है। प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है पहला 800 मेगावाट यूनिट ऑफ तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ NTPC। ये प्रोजेक्ट किसका है, NTPC का। कितने मेगावाट है, 800 मेगावाट। कौन सा स्टेट, योर तेलंगाना, राइट। 3 क्वेश्चन जो यहां से बनेंगे, हाँ जी, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो अब की बार इतना ज्यादा करंट अफेयर नहीं था इस वीक के अंदर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर बहुत एक्टिवली आए, तो जितना मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने एड ऑन कर दिया है। तो होमवर्क क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल लॉन्च बाय UGC फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। रिसेंट में एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिला था, ये कौन सा पोर्टल है, CU कनेक्ट, CU चयन, CU रिक्रूट और CU टैलेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा। रेस्ट ऑफ ये आप लोगों का सेशन था रिगार्डिंग करंट अफेयर, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। सो डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है फॉर PDF एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।